फ्रेंड्स, आई एम शुभेंदु सिंह, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ केयर फॉर व्हील सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एंड वी आर बेसिकली अ डोर स्टेप कार वॉश एंड डिटेलिंग सर्विस कंपनी। एंड वी हैव अ लोगो इंट्रोडक्शन पेज ऑन योर स्क्रीन। एंड वी हैव अ स्लोगन कॉल्ड यू ड्राइव वी केयर। दिस इज फॉर आवर कस्टमर्स कि आप ड्राइव करें, हम आपकी गाड़ी की केयर करेंगे। तो मैं पहले बेसिकली थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि व्हाट वी डू एंड व्हेन वी वर स्टेब्लिश्ड। तो केयर फॉर व्हील इज बेसिकली अ प्रोफेशनल डोर स्टेप कार वॉश कंपनी। हमारा जो भी काम है वो डोर स्टेप पे कार डिटेलिंग सर्विसेस एंड वॉशिंग सर्विसेस का है। हमारी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2020 अगस्त में। एंड वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस फ्रॉम सितंबर 2020। एंड सिंस देन वी आर इनटू मल्टीपल सिटीज विथ आवर फ्रेंचाइजी। वी स्टार्टेड फ्रॉम रांची, जो कि झारखंड का कैपिटल है। वहां से हमने स्टार्ट किया था। एंड देन वी आर इनटू 4 to 5 cities now, and there are 3 to 4 cities in our pipeline. And हम लोग जो expansion कर रहे हैं वो हमारा franchisee business के through ही expansion है। So this webinar will be all about कि हम क्या करते हैं, हमारी services क्या हैं, हम market से अलग कैसे हैं, and हम आपको franchisee में क्या-क्या provide करेंगे, हमारा क्या franchisee model है, ईच एंड एवरी थिंग। एंड देन एट द एंड हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। बट आई रिक्वेस्ट कि पहले मैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे दूं, देन आई लुक टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो हमारी कंपनी का बेसिकली जो मिशन था कि या है विजन या मिशन, आप जो भी बोल लीजिए, कि हमको एक कोई भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस फील्ड में, कार वॉशिंग की फील्ड में नहीं है। प्लस हमने ये प्रॉब्लम देखा मार्केट में कि लोगों को गाड़ी धुलवाने के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। हर किसी को साफ गाड़ी चाहिए अपने मार्केट में, अपने घर से निकलते हुए उनको गाड़ी साफ चाहिए। बट अब वो एक वॉशिंग सेंटर पे जाए, वहां पे वेट करे, प्लस उसके बाद उनको उसको मॉनिटर करना पड़े, तो एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो डिटेलिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि मैं 3M की बात करूं या और जो भी कंपनीज हैं, तो वो लोग, क्योंकि चार्जेस इतने आए हैं कि वो एक मिडिल क्लास आदमी हर रोज अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हर रोज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा विजन यही था कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच का कुछ रास्ता हो जो कि हम निकाले, और वहां से हमने ये केयर फॉर व्हील को स्टार्ट किया। तो केयर फॉर व्हील इज बेसिकली, हमारा एक वेबसाइट है careforwheel.com, जहाँ पे हमारे सारे ऑर्डर्स उसी के थ्रू बुकिंग होती है। ठीक है, फिर हम वहां से कस्टमर अपने हिसाब से उस ऑर्डर को शेड्यूल करता है। उस शेड्यूलिंग के बाद हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो कस्टमर के घर पे जाते हैं या उनके एड्रेस पे जाते हैं, उनके डोर स्टेप पे जाते हैं। हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव हैं वो एकदम हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो एकदम सर्टिफाइड ट्रेनिंग के साथ हैं। तो वहां पे वो जाते हैं विथ हाई टेक्नोलॉजी एंड पोर्टेबल मशीन्स। एक मैं आपको आगे पिक्चर शेयर करूंगा जहां पे आपको दिखेगा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको बस एक स्कूटर पे वो इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं। तो वो इक्विपमेंट्स इतने हाईली पोर्टेबल हैं कि वो बैग में आ जाते हैं। एंड देन वी स्टार्ट द वर्क वहां पे एकदम हाईली प्रोफेशनली। देन हम कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग में है कि जो हम मार्केट में आप जाएंगे तो कोई भी गाड़ी को वॉश करने के लिए जो एक मार्केट का कॉस्ट है, हमने अपने कॉस्ट को उससे ज्यादा सर्विसेज उसी कॉस्ट के आसपास देने का ट्राई किया है। हमारी वेबसाइट पे आप जब विजिट करेंगे careforwheel.com पे, तो आपको ये सारी सर्विसेज वहां पे विजिबल होंगी। और ये सारी सर्विसेज की जो प्राइजेस है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली है। तो मार्केट के कंपैरिजन में हम अपने आप को, हमने इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा है कि हाँ हम एकदम से किसी वॉश को लेके बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए या बहुत ज्यादा नीचे चले जाए। तो हमने मार्केट के साथ ही सब कुछ रखा है। बट हाँ, इसमें हमारे साथ जुड़ने का फायदा ये है कि एक तो हमारे पास प्रोफेशनल्स ट्रेंड है, दूसरा हमारे इक्विपमेंट्स एकदम हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं जो कि एकदम प्रोफेशनल वॉश करने के लिए तत्पर हैं। प्लस हमारे पास जो
जो सर्विसेज हम जो दे रहे हैं वो बजट फ्रेंडली है, और आपको बुकिंग करने के लिए कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ क्लिक्स पे बस अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं, एंड देन आपके घर पे ही एग्जीक्यूटिव जाएंगे, वहीं पे सारा कुछ प्रोसेस होगा। प्लस अगर आप चाहते हैं, कस्टमर चाहता है कि हाँ उनको डेली उनकी गाड़ी साफ होनी चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए भी एक सर्विस है, दैट इज डेली वाइपिंग। डेली वाइपिंग सर्विस में हम डेली एक्सटीरियर बॉडी को कस्टमर के वाइप करते हैं विथ अ ड्राई वॉश सॉल्यूशन एंड माइक्रो फाइबर क्लोथ। तो ये जो एक प्रोफेशनलिज्म हम लेके आए हैं वॉशिंग के मार्केट में, ये हर कोई नहीं कर रहा है। हाँ, डेली गाड़ियां क्लीन होती हैं। आज भी आप लोग भी अपार्टमेंट्स में रहते होंगे या अपने आसपास देखते होंगे, लोग बंदे आते हैं गाड़ी क्लीन करने, बट वो जो क्लीनिंग होती है वो प्रोफेशनल नहीं होती है। और हम जो भी क्लीनिंग दे रहे हैं वो प्रोफेशनल्स के थ्रू करवा रहे हैं, और सारे हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो कंप्लीटली ट्रेंड है। सर्विसेज की बात करता हूं मैं, तो सर्विसेज में हमारे कुछ सर्विसेज है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसमें है कि बेसिक वॉश, वॉश प्लस पॉलिश, रबिंग कंपाउंड जो कि स्क्रैच रिमूवल भी जिसको हम कहते हैं, डीप इंटीरियर क्लीनिंग एंड डेली वाइपिंग। तो ये जो है ये 5 सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक बेसिक वॉश में, जो नॉर्मल एक वॉश है, एक छोटी गाड़ी के लिए हम 350 रुपये चार्ज करते हैं। जो हैचबैक कार्स है लाइक बलेनो या इस टाइप की जो हैचबैक गाड़ियां हैं, उनके लिए हम 350 रुपीज चार्ज करते हैं। और उस 350 रुपीज में हम इंटीरियर वैक्यूमिंग भी करके दे रहे हैं, एक्सटीरियर फोम वॉश भी है, देन आपका डैशबोर्ड पॉलिश है, टायर टायर ड्रेसिंग है। टायर ड्रेसिंग में बेसिकली अलग से टायर की एक क्लीनिंग होती है, एंड देन उस पे पॉलिश एंड उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। देन एक्सटीरियर बॉडी ड्राइंग है, पूरी गाड़ी को सुखाया जाता है, एंड कार परफ्यूम स्प्रे है। इसके अलावा हम अपने एंड से पेपर फ्लोर मैट और ये सारा कुछ करके देते हैं। तो कस्टमर जब इस वॉश के बाद जब अपनी गाड़ी में बैठता है, तो ही फील्स कि हाँ ये एम्बियंस कुछ अलग है मेरी गाड़ी का। तो ये होता है फर्क एक प्रोफेशनल में और एक नॉर्मल वॉश में। नॉर्मल बंदा भी गाड़ी धो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे मार्केट में हमने ही कैप्चर किया, वो लोग भी कर रहे हैं, नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। बट वो नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आपकी गाड़ी में काम करेंगे, और एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल, ट्रेंड प्रोफेशनल आपकी गाड़ी में काम करेगा, और सेम प्राइस में, लमसम सेम प्राइस में अगर वो दोनों काम हो रहा है, तो पीपल आर, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे कस्टमर जो हैं वो रिटेन्ड कस्टमर्स हैं। हमारे कस्टमर रिटेनिंग क्या परसेंटेज बताऊं, तो अराउंड 75 to 80% हमारा कस्टमर रिटेनिंग कैपेसिटी है, कि हमने जब जिस कस्टमर को सर्विस दिया उसने दोबारा हमसे जरूर सर्विस लिया, जस्ट बिकॉज कि उनको सर्विस अच्छी लगी। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं और सर्विसेज की तरफ, तो हमारे पास उन्हीं सर्विसेज के कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी हैं, लाइक मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जिसमें कि कुछ वॉशेस हैं, एक्सटीरियर पॉलिश है। तो ये एक पूरा पैकेज है जो हम सेल करते हैं। ये सारा कुछ हमारी वेबसाइट के थ्रू ही होता है। इसमें हमारा जो भी ऑर्डर है वो सारा कुछ ऑनलाइन है, एंड बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप हमारी वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हम, मतलब वहां पे बस जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स आपको अपने ब्रांड सेलेक्ट करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है, अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है, एंड देन यू आर ओके टू गो। वहां से आपने जस्ट चेकआउट किया और आपके आधे घंटे में बंदा आपके घर पे, और वहां से आपका वॉश हो सकता है। तो ये है बेसिकली केयर फॉर व्हील का इंट्रोडक्शन, केयर फॉर व्हील क्या करती है, क्या सर्विसेज देती है, और हम मार्केट से अलग कैसे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हैं फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ, कि हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है और कैसे वो वर्क करता है। तो केयर फॉर व्हील का फ्रेंचाइजी मॉडल डिस्कस करने से पहले मैं इंडिया का कार मार्केट थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि ये बिजनेस कितना ग्रोइंग है। हम लोग रिपेयर सेक्शन में नहीं है, एंड रिपेयर सेक्शन में हर रोज नया कुछ ना कुछ आता है हर रोज, बट ये मार्केट जो है ये मार्केट में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज ये उल्टे उल्टा बढ़ेगा, गाड़ियां बढ़ेंगी, चाहे ईवी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, वॉशिंग का मार्केट जो है एंड डिटेलिंग का वो हर दिन रहेगा। तो इंडिया का कार मार्केट बताऊं तो 2021 के बाद 26.7% से वो रेज हुआ है। आपको, आपके सामने ग्राफ होगा, आप उस ग्राफ से देख सकते हैं कि 2021 के बाद 2023 तक, अभी तक वो कितना ग्रो हुआ है। 2020-21 बट ऑब्वियस नीचे था क्योंकि कोविड था,
गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स बंद थी, बट आप ग्राफ देख सकते हो एंड प्रोजेक्शन भी है इसमें, इस ग्राफ में। ये हमारा कुछ रेनाउंड कंपनीज का जो सर्वे है उस बेसिस पे ये ग्राफ बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 2027 तक आपको कितनी गाड़ियों का मतलब ग्रोथ है, जो सेल होंगी गाड़ियां या गाड़ियां लोग कंज्यूम करेंगे उसका आप देख सकते हो। तो ये सब गाड़ियों को वॉश की जरूरत तो है ही, कहीं ना कहीं ये मार्केट काफी बड़ा है। तो इस वास्ट मार्केट को फुलफिल करने के लिए ही हमने केयर फॉर व्हील लाया है। अब हम बताएंगे कि हम मार्केट से डिफर कैसे करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्वालिटी सर्विस, सर्विस हर कोई करता है, बट क्वालिटी सर्विस देना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल्स जब तक ट्रेंड नहीं होंगे, आपके एग्जीक्यूटिव या जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास अगर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो हम गाड़ी को क्लीन करने में हम बताते हैं कि गाड़ी पे स्क्रैच कैसे आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता है। कपड़ा वही यूज करना है, बट उस कपड़े को यूज करने का तरीका अलग होता है। अगर कोई ट्रेंड प्रोफेशनल है तो उसके कपड़े यूज उसका कपड़ा यूज करने का तरीका जो होगा उससे कभी भी स्वर्ल मार्क्स नहीं आएंगे आपकी गाड़ी पे। बट वही अनप्रोफेशनल आदमी करेगा तो वो कुछ दिन बाद आपको वो स्वर्ल मार्क्स उसमें दिखेगा, एंड दैट विल बी शोन ऑन दैट कि हाँ ये क्वालिटी सर्विस कैसे डिफर होता है। आप किसी भी डिटेलिंग सेंटर पे जाइएगा तो वहां पे जो प्रोफेशनल होंगे उन्होंने जो काम किया होगा, और एक लोकल गैराज में आपने काम कराया होगा, दोनों में अंतर होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी सर्विस में अंतर कैसे होता है। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट्स की बात करें जो प्रोडक्ट यूज करते हैं लोकल मार्केट या लोकल वेंडर, जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दे आर हाईली एसिडिक, या उसमें कॉस्टिक सोडा की जो परसेंटेज होता है कॉस्टिक सोडा का वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस कॉस्टिक सोडा में के वजह से गाड़ी तो उस समय तो आपका बहुत क्लीन हो जाती है, बट वो क्लीन नहीं होती है, वो कॉस्टिक सोडा की वजह से आपकी जो गाड़ी है वो उसका पेंट निकल चुका होता है या ऊपर का पॉलिश, ऊपर की एक सतह निकल चुकी होती है, और वो धीरे धीरे आपके पार्ट्स को, प्लास्टिक पार्ट्स को डिसकलर कर देगा, डैमेज कर देगा। हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सर्टिफाइड कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, हम उस प्रोडक्ट्स को ही यूज करते हैं, एंड उन प्रोडक्ट्स में के वजह से जो कि एकदम क्लोज टू बेस होता है, आपने हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में 9th 10th स्टैंडर्ड में पीएच वैल्यू होता है। तो पीएच वैल्यू जो 7 से नीचे होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर 13 तक सब बेसिक होता है। तो हमारा न्यूट्रल पीएच वैल्यू का सारा केमिकल होता है। न्यूट्रल पीएच वैल्यू मतलब 7 के आसपास हमारा सारे केमिकल्स का पीएच वैल्यू है। तो वो हाँ, वो क्लीनिंग में थोड़ा सा मेहनत एग्जीक्यूटिव को ज्यादा करना पड़ेगा, बट वो कभी भी कार को डैमेज नहीं करेगा। फिर हम ऑनलाइन बुकिंग देते हैं, ऑनलाइन बुकिंग वो लोग भी देते हैं, बट हमारा जो ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस है वो एकदम फ्यू क्लिक्स में बहुत ही आसानी से आपको किसी भी नेटवर्क पे, मोबाइल पे आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमारा जो भी काम होता है हम वो कोशिश करते हैं कि उस काम को करने के बाद जो आसपास का एरिया है वो गंदा ना हो, जो गाड़ी का कचरा है वो भी हम ऐसी जगह पे हम अपने साथ कलेक्ट करके वापस लेके आते हैं और उसको एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करते हैं। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम भी करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो भी मशीन्स हैं वो सारा कुछ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट मशीन है, जिसमें कि आपको प्रेशर वॉशर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, जो भी मशीन्स हम यूज करते हैं वो हम एक रेनाउंड कंपनी से आउटसोर्स करते हैं, एंड वो सारे मशीन्स एकदम आपको हाईली प्रोफेशनल मशीन्स मिलेंगे विथ वारंटी। देन ऑनलाइन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अब अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो हम एक आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे। हमारा पूरा बिजनेस ऑटोमेटेड है, इसमें ना आपको कहीं भागने की जरूरत है। सपोज दैट आपने कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका कोई और बिजनेस है, आपका कोई और काम है, आप इसको साथ साथ चलाना चाहते हैं, तो इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान है। आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है आपको बस उस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करना है, एंड आपको दिख जाएगा डेली के ऑर्डर्स कितने हैं, क्या रेवेन्यू आया, कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए, कितने पेंडिंग है, कितनों ने क्या परचेज किया, सारा कुछ उसमें एवरीथिंग डे बाय डे, मंथ वीकली सारा रिकॉर्ड्स है। आपको बस उसको लॉग इन करना है और आपको सारा कुछ वहां पे दिख जाएगा। देन ट्रेंड स्टाफ, हमारे स्टाफ जो भी है वो सर्टिफाइड ट्रेन रहते हैं और हम उनको ही चांस देते हैं, जो ट्रेनिंग हम उनको अपने वे में ट्रेन भी करते हैं और हर दिन उनको अपग्रेड करते हैं मार्केट के साथ। तो दिस इज द थिंग हाउ वी डिफर फ्रॉम द मार्केट। अब आपको केयर फॉर व्हील के साथ वाई टू एसोसिएट विद केयर फॉर व्हील, सबसे पहली चीज है कि केयर
केयर फॉर व्हील का जो प्रॉफिट, जो भी वर्क है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो वो अराउंड 80-85% है, और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मैं नेट प्रॉफिट उसका आपको अराउंड 10-75%, 70-75% उसका नेट प्रॉफिट है। तो इतना मार्जिन वाला बिजनेस अगर आपने 3-3.5 लाख रुपए लगाए हैं, 3-3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, वो एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, तो सारा कुछ पकड़ के भी आपको 6 से 8 महीने में आपका ब्रेक इवन मिल जाता है, 6-8 मंथ्स में। मैं इसलिए 6-8 मंथ बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ से ही आपको बिजनेस बहुत ज्यादा आने लगेगा, बट विथ टाइम आपका 6-8 मंथ्स में जब बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर रिटेनिंग हमारे पास बहुत है, तो जैसे ही जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा 6-8 मंथ में आप ब्रेक इवन पे होंगे, एंड देन उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी कमा रहे होंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। हमारी कंपनी कंप्लीटली टेक्निकल ऑनलाइन सपोर्ट देती है, मार्केटिंग सपोर्ट देती है, हमारे पास एकदम इन हाउस टीम है जो टेक्निकल और मार्केटिंग सपोर्ट देती है, एंड दिस सपोर्ट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द मीन्स सारे हमारे जो प्रोफेशनल्स है वो काफी ट्रेंड है, तो आपको मार्केटिंग सपोर्ट, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सपोर्ट, देन आपको ऑनलाइन अगर सेल्स सपोर्ट चाहिए कि आपका कोई कस्टमर कन्वर्ट, तो ये सारी चीजों के लिए हमारी कंपनी अपने फ्रेंचाइजी के लिए एकदम हमेशा खड़ी रहती है, एंड दे आर हमारे हर मंथ में 2 बार मीटिंग्स भी होती है हमारी फ्रेंचाइजी के साथ, एंड वी डिस्कस कि वहाँ का मार्केट क्या बोल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली भी हम उसको फिर ऊपर नीचे करके हर हर चीज को मैनिपुलेट करके क्या मार्केट का डिमांड है, क्योंकि हर जगह का मार्केट का डिमांड अलग है, एंड अकॉर्डिंगली हम बहुत बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि गाड़ियों का आपने मैंने मार्केट का स्ट्रेंथ बता दिया है, और अभी तक इसमें इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि इस प्राइस में, इस प्राइस रेंज में एक मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छा सर्विस दे पाए। तो हमारा जो विजन है कि वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को क्लीन करना इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सर्विसेज को पहुंचाना। अब मैं आपको एक हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंचाइजी मॉडल जो है हमारा, उसमें आपको यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल है ये, जिसमें कि हम आपको एक सिटी में एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया देते हैं जहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। उस काम में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3.5 लैक्स। अब इस 3.5 लैक्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इस 3.5 लाख में हम आपको पहला जो 25,000 है, दैट इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है आफ्टर द एग्रीमेंट पीरियड इज ओवर। 1 लाख इज आवर फ्रेंचाइजी फीस। अब फ्रेंचाइजी फीस हम क्यों चार्ज करते हैं, फ्रेंचाइजी फीस हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा हम वेबसाइट एंड बैकएंड दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, फिर स्टाफ की हायरिंग एंड ट्रेनिंग आपकी हम करके देंगे, मार्केटिंग का रिसर्च एंड एनालिसिस लोकल मार्केट के साथ वो हमारी टीम करती है, फिर आपको टेक्निकल इक्विपमेंट का सपोर्ट हम देंगे, सेल्स का ट्रेनिंग हमारे आपके एम्प्लॉयज को हम देंगे, फिर आपके एम्प्लॉयज को प्लस फ्रेंचाइजी को भी हम दोनों को देंगे सेल्स का ट्रेनिंग सपोर्ट। उसके बाद फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट एंड लीगल सपोर्ट, जितना भी अग्रीमेंट है लीगल से वो हमारी कंपनी की तरफ से होगा, फिर अकाउंट मैनेजमेंट। अब हम आपको जो बैकएंड सॉफ्टवेयर देंगे वो अकाउंट मैनेज करने के लिए होगा, वहां से आप अपना सारा रेवेन्यू सारा कुछ देख सकते हैं, फिर हम आपको एक आरएम असाइन करके देंगे, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपकी कंपनी के और हमारे बीच में एक मानिए तो मीडियम होगा जो कि आपको हर तरह से कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट करने को रेडी होगा, आपको कुछ भी दिक्कत होती है आप उसको बता सकते हैं, उसके साथ आप मतलब जुड़ सकते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं एनी टाइम बिटवीन कभी भी, एंड ही इज रेडी टू सपोर्ट, अगर उनको आना है ही विल कम देयर, एंड वहां से हमको सॉरी म्यूट हो गया था, तो वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको हर स्पेस पे आपको हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। तो ये जो 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हर कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, बट हमारे एंड पे ये चीज है कि हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में
हर जगह हम आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रहे हैं, जिसको आप कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने बिजनेस में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, एंड ही इज रेडी टू हेल्प। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो सीनियर मैनेजमेंट को वो चीज फॉरवर्ड करेंगे, एंड सीनियर मैनेजमेंट उस चीज को आगे एड्रेस करेगा। तो दीज आर द फीस बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी फीस जो हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं। देन 85,000 इज फॉर द इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में हम 2 सेट ऑफ इक्विपमेंट्स देते हैं। इस इक्विपमेंट्स में हम आपको प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, कार पॉलिशर, सैनिटाइजेशन मशीन और बहुत सारी एक्सेसरीज एंड मशीन्स होती हैं, जिनका एक पूरा कॉम्बिनेशन जाता है 2 सेट का। एंड वो 2 सेट आप विथ वारंटी ऑफ 1 ईयर, ये सारे मशीन्स पोर्टेबल होते एंड हाईली प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है 32,000 है आपका केमिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स के लिए। उन केमिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स के में आपको कार शैम्पू, कार पॉलिश, देन आपको वैक्स, देन आपको लेदर कंडीशनर, ऑल पर्पस क्लीनर और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स प्लस एक्सेसरीज या कंज्यूमेबल्स बोल लीजिए। एक्सेसरीज या कंज्यूमेबल्स में क्या आता है, जैसे स्पॉन्ज, माइक्रोफाइबर क्लोथ, इस टाइप का जो जो भी चीजें आपको, एक छोटा सा छोटा एक ब्रश भी से लेके आपको हर एक चीज का सेटअप कंपनी यहाँ से भेजती है। उसमें आपको कुछ भी ना परचेज करना है ना कुछ भी करना है। फिर आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इसमें 1 लाख रुपए हम लेते हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए। एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके एम्प्लॉयज के लिए टी शर्ट्स, कैप्स, फिर एक ऑफलाइन मार्केटिंग किट जाता है। इस ऑफलाइन मार्केटिंग किट में 20,000 पैम्पलेट्स, एक कैनोपी, देन आपका जो कि आप कहीं भी लगा के मार्केटिंग के लिए कर मार्केटिंग का अपना प्रमोशन कर सकते हैं। देन आपको उसके साथ साथ मिलता है थैंक यू कार्ड, फोल्डर्स, आपका विजिटिंग कार्ड, प्लस 3 महीने की डिजिटल मार्केटिंग आपको इस फीस में कंपनी देती है, जिसमें कि हम आपको गारंटीड लीड्स देते हैं, जो कि है 100 to 150, 100 से 150 लीड्स हम आपको देते हैं हर महीने का 3 महीने तक, जिसको कि आप कन्वर्ट, एंड ये एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि 100 to 150 लीड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इन लीड्स को आप कन्वर्ट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। देन आता है 8,000 इज फॉर द लॉजिस्टिक चार्जेस। ये 8,000 आपका जो लॉजिस्टिक्स के लिए है, ये आपका जो भी सामान यहाँ से डिस्पैच होगा उसके चार्जेस है। तो दिस इज द कंप्लीट यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल। देन आते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल पे। अब मास्टर फ्रेंचाइजी में आपको सारा कुछ तो वही सेम है, बस इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इज फॉर द 5 लाख। अब ये 5 लाख क्यों है इन्वेस्टमेंट, आपको सामान सारा वही मिल रहा है, आपको एक सिंगल सिटी में एक यूनिट रन करने का चांस मिल रहा है, फिर आपको सारा कुछ वो सेम मिल रहा है जो आपको यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल में मिल रहा है। बट एक चीज इसमें और है कि आप अगर मास्टर फ्रेंचाइजी लेते हैं किसी सिटी की, तो उस सिटी के हेड आप होंगे। फिर जो भी यूनिट फ्रेंचाइजीज उस सिटी में खुलेंगे, अगर आपकी सिटी में कोई यूनिट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट है कि हाँ यूनिट फ्रेंचाइजी का हमारे यहाँ कंसेप्ट है, या हमारे सिटी बहुत बड़ी है तो यहाँ पे 4 2 3 फ्रेंचाइजी और खुल सकती है, तो आप वहाँ पे मास्टर अगर खोलते हैं, तो जो भी फ्रेंचाइजीज आपके नीचे खुलेंगी आपके हेल्प से या कंपनी अपने एंड से खोलेगी, उस पे कंपनी आपको 10% ऑफ द फ्रेंचाइजी फीस, दैट इज 10,000 रुपीज, मीन्स 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 रुपीज कंपनी आपको देगी अपनी तरफ से, क्योंकि आप उस यूनिट को हेड कर रहे होंगे और वहां पे आप उसको मैनेज कर रहे होंगे, तो ये कंपनी अपनी तरफ से आपको 10% ऑफ द फ्रेंचाइजी फीस आपको देगी। इवन इन केस अगर आपके एंड से भी कुछ आता है जो लीड्स जो कन्वर्ट होंगी, तो उसमें कंपनी आपको 10% देगी। फिर जो भी प्रोडक्ट्स का जो कंपनी सेल करेगी यूनिट को, यूनिट मास्टर को ही अप्रोच करेगा, कोई भी प्रोडक्ट उसको परचेज करना होगा एंड देन मास्टर ही उसको बेचेगा, तो वहां पे भी आपको एक प्रॉफिट का कमाने का जरिया है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट और टेरिटरी मॉडल। स्टेट और टेरिटरी मॉडल में देन अगेन 1 लाख का बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दैट इज ₹6 लाख। इसमें भी आपको सारा कुछ एज इट इज सेम मिलेगा, बस ये पूरे स्टेट के लिए होगा। सपोज दैट आप किसी स्टेट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उस स्टेट में कहीं भी अगर
फ्रेंचाइजी ओपन होती है, केयर फॉर व्हील ओपन करता है या आपके एंड से ओपन होता है, उसका 15% कंपनी आपको देगी फ्रेंचाइजी फीस का, और प्लस पूरे स्टेट में जितने यूनिट्स होंगे उस पूरे यूनिट या मास्टर्स होंगे आप उनके हेड होंगे। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जो हमारा, 3 तरह के मॉडल्स हैं, यूनिट, मास्टर एंड स्टेट। तो ये हमारे जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, इसमें से आपके हिसाब से जो भी सुटेबल होगा वो यू कैन गो फॉर इट। देन आते हैं रॉयल्टीज पे। रॉयल्टीज में हम 5% ऑफ द टोटल सेल्स अमाउंट हम अपनी तरफ से चार्ज करते हैं इसमें, वो भी आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्च। सपोज दैट आपका डेट ऑफ लॉन्च आज है, आज आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आज से 3 महीने तक कंपनी आपसे कुछ भी पैसा नहीं लेगी। आफ्टर 3 मंथ्स व्हेन देयर इज अ बिजनेस सेटल हो गया है, एक अच्छा बिजनेस आपको मिल चुका है, उसके बाद आपको ये बिजनेस में आपको 5% ऑफ द टोटल सेल्स आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट, प्रोसीजर क्या होगा जिसमें कि आप ये प्रोसीजर कैसे हम फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं इधर हमारी वेबसाइट पे जाके, या आप हमको डायरेक्टली, हम आपको नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, उन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके वहां से आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स सारी शेयर कर दी जाएंगी उस बिजनेस से रिलेटेड, फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट शेड्यूल होगा, पहले आपको 25,000 रुपीज जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करना है, उस पेमेंट के बाद आपको हमारे आरएम जो है वो आपके पास विजिट करेंगे। वहाँ विजिट करने के बाद फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट का साइन होगा। फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट का साइन होने के बाद, फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट का सिग्नेचर होने के बाद फिर आप वहां पे फ्रेंचाइजी फीस का जो 1 लाख का अमाउंट है वो डिपॉजिट करेंगे। देन आपका सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रेनिंग का, हायरिंग का, देन आपका रेस्ट ऑफ द मशीन्स का, जब ये सारे मशीन्स एंड ऑल्स आपका आपके पास यहाँ पे रेडी हो जाएगा, देन आपको रेस्ट ऑफ द पेमेंट करना है। सारा सामान वहां पे डिस्पैच होगा, साथ ही हमारे आरएम वहां पे जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होगी, एंड देन देयर विल बी अ लॉन्च सेरेमनी जो कंपनी अरेंज करेगी, और उस लॉन्च सेरेमनी के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड आरएम विल बी देयर फॉर सम डेज, ही विल ट्रेन एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद आपको वहां से वो आरएम निकल जाएंगे और आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर कि हम कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो जाते हैं वो कैसे, उनको क्या क्या चाहिए होता है एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल वी नीड टू कंप्लीट एन ऑर्डर, एक बैग इनके पीठ पे होता है, वन बैग इस एक बैग सामने होता है, और इसी में सारा इक्विपमेंट्स हो जाता है, ठीक है। और इस इक्विपमेंट्स के थ्रू ये जाते हैं वहां पे, एंड वहां पे क्लीनिंग का काम खत्म करते हैं। ये वाले बैग में जो बैग सामने है उसमें केमिकल्स एंड मशीन्स होती हैं, पीछे जो बैग पीठ पे है उस पर टूल्स एंड वैक्यूम्स होते हैं, एंड एक टू व्हीलर चाहिए और सर्विस एक्सिक्यूटिव, दैट्स इट, यू नीड टू कंप्लीट एन ऑर्डर। देन आई विल शो यू कि हमारा सर्विस के, ये कुछ सर्विस के हमारे फोटोग्राफ्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव सर्विस दे रहे हैं। तो ये सर्विस पे आप देख सकते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूअसली कितने अच्छी, ये कुछ गाड़ियां हैं जो सर्विस हो चुकी हैं, ये हमारी सर्विस